For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद सरवर है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैंने नेफ्रोलॉजी में एमडी नेफ्रोलॉजी की हुई है। फॉर लास्ट सिक्स ईयर मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में और साथ में एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में। इंटरेस्ट मेरा जो है वो ज़्यादातर क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट्स और डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, along with the transplant, kidney transplant. Chronic kidney disease जो है ये actually जब गुर्दा जो है तीन महीने से ज़्यादा ख़राब रहे और इसके reversibility के चांस ना हो, यानी कि ठीक होने का चांस ना हो, और इसके जो markers होते हैं यूरिया और creatinine जो normally हमारे यहाँ available हैं वो normal मिकदार से ज़्यादा हो जाते हैं और वो फिर कम्प्लीटली रिवर्सेबल नहीं होते, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आते, तो इस चीज़ को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। पाकिस्तान में और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इसके जो वजूहत में सबसे बड़ी वजह शुगर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर है और फिर बाकी गुर्दे की कुछ बीमारियाँ हैं। जब गुर्दा काम करना बिल्कुल छोड़ जाए, दोनों गुर्दे स्पेशली एक नहीं दोनों गुर्दे, और ये अमल जो है इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए कि मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत हो और बगैर डायलिसिस के दवाइयों के साथ उसका काम ना चल सके, तो इस चीज़ को एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, यानी कि इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज फाइव डायलिसिस डिपेंडेंट भी कहते हैं। एंड स्टेज किडनी डिजीज के बारे में ये बताऊँगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की पाँच स्टेजेस हैं जो कि GFR के साथ रिलेट करती हैं। जब GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब वो 15 से कम हो जाता है तो इसको स्टेज फाइव कहते हैं, यानी कि लास्ट स्टेज। और इसमें जब मरीज़ डायलिसिस के बग़ैर उसका गुजारा ना हो, उसको उल्टियाँ, उसके जो सारी सिम्टम्स हैं, भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें उस वक्त आना शुरू हो जाए और उसको डायलिसिस की ज़रूरत हो, तो इसको एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं। डायलिसिस एक गुर्दे खून की सफाई का एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए खून से फासिद मादे जो होते हैं उनका इखराज होता है। उसके अलावा खून की सफाई के साथ साथ जो नमकियात हैं उनको रिस्टोर किया जाता है, जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी नमकियात होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जिनकी कमी होती है वो पूरे हो जाते हैं। गैर ज़रूरी फासिद मादों का अखराज, नमकियात की स्टेबिलिटी, जो गैर ज़रूरी नमकियात हैं उनको डायलिसिस के ज़रिए निकाल दिया जाता है और जिनकी कमी होती है वो पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा जो जिस्म के अंदर एसिड बेस बैलेंस होता है वो इस डायलिसिस के ज़रिए मेंटेन हो जाता है, और उसके अलावा जो गैर ज़रूरी पानी जिस्म के अंदर गुर्दे की ख़राबी की वजह से जमा हो जाता है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो पानी जिस्म के अंदर रहे तो मरीज़ उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल है। डायलिसिस की मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिसमें हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी है, हीमोडायफिल्ट्रेशन है और हीमोफिल्ट्रेशन है। हमारे यहाँ हीमोडायलिसिस जो है वो ज़्यादा मरीजों में किया जाता है और ये सबसे कॉमन डायलिसिस की किस्म है जो पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अस्पतालों में। पेरिटोनियल डायलिसिस कुछ सेंटर्स में कुछ जगह पर होता है लेकिन वो कम मरीजों में किया जाता है। डायलिसिस के बाद जो सफ़र का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर तो डिपेंड करता है कि सफ़र कितना लंबा है। अगर तो किसी का सफ़र 2-3 या 4 घंटे तक है तो वो डायलिसिस के बाद 1-2 घंटे के बाद सफ़र अपना कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने लंबा ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो वो बेहतर है कि डायलिसिस से फिर अगले दिन अपना सफ़र करे। कोशिश करें कि डायलिसिस के 2-3 दिन बाद जो है वो बहुत लॉन्ग ट्रैवल ना करें, और अगर मजबूरी है तो उसमें यह है कि फिर पानी का इस्तेमाल कम करें, फलों का इस्तेमाल कम करें, और स्पेशली वो फल जिनमें पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे
सिट्रस है, केला है, आम है, ये चीज़ों का परहेज करें, इसके साथ नमक का इस्तेमाल कम करें और चिप्स वगैरह ना खाएं और पानी कम इस्तेमाल। मुझे चेक करवाने के लिए आना हो तो आप ईशा किडनी सेंटर में मरहम के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग करवा।